पढ़ाई कैसे करें, तो उसके लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक केवल एक ही तरीका है नौकरी लगने का कि पढ़ाई करो, केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। केवल मेहनत ही आपके पास एकमात्र हथियार है। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ खास या कुछ नई बातें नहीं बताने वाला हूं, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं बस उनके लिए बहुत सिंपल सी गाइडलाइन बताने वाला हूं, बस वो आप समझिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार वही दो बातें बोलता हूं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि बड़ा कंफ्यूज रहता है, वो कभी इस टीचर से पढ़ेगा, कभी उस टीचर से पढ़ेगा, कभी यूट्यूब से पढ़ेगा, अभी कभी पीडीएफ डाउनलोड करेगा, कभी बुक खरीद के पढ़ेगा। नहीं, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सबके सब बढ़िया हैं। आप जिस भी टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, आप उस टीचर का बैच लीजिए, चाहे वो YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप एक ही टीचर को पकड़िए, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर है, जहां से आपको समझ में आता हो, जिसकी भी टीचिंग आपको पसंद आती हो, आप उस टीचर का बैच कंप्लीट पढ़िए। आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा फिर आपको उस चीज का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर सबसे बाद में चीज आती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप जैसे सिलेबस कंप्लीट करते हो, आप दुनिया भर के ओलंपियाड के क्वेश्चन डाउनलोड कर ला, यहाँ टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाला, फेसबुक से क्वेश्चन निकाला, व्हाट्सएप के फर्जी फर्जी ग्रुप है उनसे सवाल निकाला, और उन तरह की बिल्कुल बेकार की चीजों में आप फंस जाते हो। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिलेबस एक बार सही से कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो बहुत 15-15, 20-20 साल पुराने नहीं, केवल 5 साल पुराने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने। आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ अवेलेबल है आपको इंटरनेट पे, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगर आप में कोई क्षमता बचती है, कोई ताकत बचती है, तो आपको केवल मॉक्स लगाने, मैक्सिमम मॉक्स आपको लगाने। बच्चे कहते हैं सर मॉक हम किसका खरीदे, किसका मॉक लगाए। देखिए जो मॉक कहीं का भी लगाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक लगाओ, सब में सेम सवाल होते हैं। बस ये है कि वहां पे सवाल दूसरे नंबर पे, वहां पे सवाल 100वें नंबर पे, वहां पे पहले मॉक में सवाल है, उसमें 7वें मॉक में सवाल है, सेम ही लड़के वो मॉक बना के बैठे हैं। तो आप मॉक लगाइए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कम से कम 40-40, 50-50 मॉक्स आपको लगाना है। ये 3 स्टेप जो बच्चा करेगा उसी का जीवन में कुछ होगा, और जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं उनका कुछ भी नहीं होने वाला।